everyone, my name is Neha and welcome to my YouTube channel. तो आज की वीडियो जो है वो कंपैरिजन वीडियो है। इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ दो क्रीम्स को कंपेयर एंड जिन दो क्रीम्स को मैं करने वाली हूँ कंपेयर वो है फर्स्ट वाली जो है वो है डॉक्टर बत्रा की नेचुरल स्किन लाइटनिंग क्रीम एंड जो सेकंड वाली है वो है ओले नेचुरल ऑरा इंस्टेंट ग्लोइंग रेडियंस क्रीम एंड आज मैं करने वाली हूँ इन दोनों क्रीम्स को कंपेयर। एंड अगर आप इसकी सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो इन दोनों ही क्रीम्स की सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे है, उन वीडियोस को देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में मैं सिर्फ इन्हें अप्लाई करूँगी एंड इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनके रिजल्ट कितने ज़्यादा अलग है, कौन सी वाली बेटर है, ये मैं आपको शो करने वाली हूँ। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में एंड मैं करती हूँ इन दोनों क्रीम्स को अप्लाई एंड आपको शो करती हूँ इनके रिजल्ट्स। बट उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड उसके बगल में एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बात करते हैं डॉक्टर बत्रा की जो स्किन लाइटनिंग क्रीम है उसके बारे में एंड सीधे रिज़ल्ट के बारे में ही बात करते हैं। तो ये जो क्रीम है वो बहुत ही अच्छे से अब्जॉर्व हो जाती है, स्किन पे ब्लेंड भी काफ़ी अच्छे से हो जाती है और इसमें आपको कोई भी वाइट कास्ट देखने को नहीं मिलने वाला, वो आप वीडियो में देख पाएंगे। स्किन को काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज़ भी करती है ये वाली क्रीम एंड इसमें आपको एक ग्लो भी आपको देखने को मिलेगा अभी वीडियो में कि मेरी स्किन कितना अच्छा ग्लो कर रही है। और अगर बात करें स्किन लाइटनिंग की तो वैसा मुझे कुछ नहीं लगा कि मेरी स्किन थोड़ी सी भी लाइटन अप हुई हो, बट अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करेंगे तो मे बी आपकी स्किन वन टोन लाइट आपको लगेगी एंड रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। एंड ये जो क्रीम है ये ऑल स्किन टाइप है। तो अब बात करते हैं ओले की क्रीम के बारे में एंड सीधे ही रिज़ल्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये जो क्रीम है ये भी आपके स्किन पे अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगी एंड अब्जॉर्व भी हो जाएंगी थोड़ी देर बाद, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी वाइट कास्ट आपको दिखने वाली है, वो आप वीडियो के लास्ट में देख पाएंगे कि थोड़ी सी वाइट कास्ट आपको लगेंगी। एंड ये जो क्रीम है इसे लगाने के बाद हमारी जो स्किन है वो वन टोन लाइटर भी लगती हैं, वो आप वीडियो में लास्ट में देख पाएंगे रिज़ल्ट की वन टोन स्किन लाइटर लगती हैं। और ऐसा नहीं है कि वो आपकी स्किन खींचेगी या फिर ड्राई हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको वैसा कुछ फील नहीं होगा। मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है और मुझे ओले की क्रीम काफ़ी ज़्यादा सूट करती है और मैं इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी करती हूँ। तो अगर बात करेंगे इन दोनों क्रीम में से कौन सी वाली मेरी फेवरेट है तो मेरी फेवरेट ओले वाली क्रीम है। सो अभी आप लोगों ने देखा इन दोनों क्रीम्स में कौन सी वाली बेटर है एंड किन के इंस्टेंट रिजल्ट ज़्यादा अच्छे हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो एंड अगर आपको यूज़फुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड इसी तरह के कंपैरिजन वीडियो एंड न्यू प्रोडक्ट के रिव्यूज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।